निम्बू मच कर दसवां विशाल भंडारा है जे जगह खाडली माता के नाम से प्रस्तुत है, जहाँ से सामने ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो पहाड़ी के लास्ट टॉप पे पहले उधर भी भंडारा होता था। अभी हमारे इस इलाके के लोग जितने भी हैं राजौरी से लेकर बुद्धल तक ये लोग सभी भंडारे में अपने शामिल होते हैं। ये एक बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पहले खुद ही उधर भंडारा ऊपर होता था, अभी उधर कोई चोरी वगैरह हुई है इसकी वजह से फिर अभी इस जगह में भंडारा करना शुरू किया। मेरा ये दसवां विशाल भंडारा है, इधर मैंने माता काली की स्थापना कराई थी। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये मंदिर जो है ऊपर खांडली माता मंदिर, जैसे वैष्णो माता जी का मंदिर है इसी तरह ये भी है। इसमें हमारे 17 करोड़ का जो बजट है मेंबर पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी ने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो पास होने वाला है और हमारा काम शुरू हो जाएगा। 2000 बंदा क्या मैसेज देना है तो ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बताना चाहता हूँ कि ये हमारा प्राचीन मंदिर है, इसमें अभी साइड में स्लाइडिंग हो रही है और ऊपर पक्की डंडी अभी नहीं बनी है, जो ऊपर जो मंदिर है गुफा है उसके ऊपर, उसके लिए अगर जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम करें जिससे इसकी इम्प्रूवमेंट हो सके और हमारे लोग इस इलाके की तरक्की करें। मास्टर ग्रेड में रिटायर हुआ हूँ लेकिन मुझे बीमारी लग गया, बोलने से जरा कासर हूँ, कैंसर है, थोड़ा आराम है। ये मंदिर अब सदियों से चल रहा है हमारे दादे परदादे से पहले, लेकिन इसका लोगों को फायदा है, 2 बकरियां देते हैं, एक संतान पान से जहाँ लाया है एक खास ऊपर है वहाँ देते हैं, जहाँ 2 बंडे हैं दार ब्लॉक को साखरी लागे, एक साल वो ऊपर देते हैं एक साल साखरी वाले देते हैं, उसके कारण ज्यादा बार यहाँ होती रही है, एन पड़ता रहा है, धान फसल खत्म हो जा रहा है सब चीज, लेकिन उसके बाद माता ने इतनी बरकत दी कि बिल्कुल कोई बोले वगैरह नहीं पड़ते नहीं पड़ता और बरकत होती है। और आज बलदेव सिंह का जग है केला, इसके अलावा हर साल साकरीदार के लोग साझा जग करते हैं बहुत बड़ा। हर मेरा पंजाब सिंह रिटायर्ड फ्रॉम इन्फेंट्री, जहाँ यह जो मंदिर है इसकी वजह से 1965 में कुवाली लोग आए थे, यहाँ आकर लोगों ने दवाएं की भक्ति की और एक माता जी से प्रार्थना की, वो जहाँ से फेल हो गए थे, यहाँ से ऊपर जहाँ खांडली माता है वहाँ गए, वहाँ से ऐसे ओले पड़े उनको रास्ता नहीं मिला, उनको महसूस हुआ कि जहाज के बम गिर रहे हैं, वो जहाँ पीड़ित रोड से भागकर अपनी जाने बड़ी मुश्किल से बचाई इस माता का जो बड़ा एक, फिर जहाँ ओले पड़ते थे जिमीदार लोग जहाँ आकर बकरी मानते थे और वो ओले पड़ने से धान खत्म हो जाते थे, वो धान अभी
पूरे रहते हैं लोग जहाँ बकरी मानते हैं, आरती में बरकत है, जो जहाँ मानता है वो माला माल हो जाता है। भी दाल भी नमक ठीक है, काष्टा बाद